बच्चों हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। हम कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया और आज है हमारा लेक्चर नंबर 156। हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हम कल पढ़ रहे थे कि भाई सीडीएम, सीडीएम मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग लोगों का क्या क्या रोल रहा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था रिच पीजेंट्स का क्या रोल रहा। तो हमने पढ़ा रिच पीजेंट्स ने भाई ज्वाइन किया था, पर उन्होंने क्या सोच के ज्वाइन किया था, उन्होंने सोचा था कि भाई उनका कुछ भला हो जाएगा, पर कुछ खास हुआ नहीं। तो फिर दूसरी और मतलब मूवमेंट अचानक से बंद हो गया। और फिर 1932 में जब गांधी जी ने रीस्टार्ट किया, तो जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर फार्मर थे, उन्होंने खुद को इससे दूरी रखा। मतलब उनको फिर मतलब नहीं ज्वाइन होना था, उनको लगा कि क्या फायदा। तो इस तरह से रिच पीजेंट्स का हमने पढ़ा था सीडीएम में। अब पुअर पीजेंट्स का क्या रोल था सीडीएम में। सो पुअर पीजेंट्स मतलब गरीब फार्मर। सो गरीब फार्मर जो होते थे वो कल्टीवेट किया करते थे लैंड्स पे। किसके लैंड्स पे? बड़े बड़े फार्मर्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के जो खेतों पे वो कल्टीवेशन करते थे। वो उन्हें टैक्स भरते थे और इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था रेंट भरना। उन्होंने डिमांड किया लैंडलॉर्ड्स को कि भाई आप हमारा जो अनपेड रेंट है, जो हमने अभी तक दिया नहीं है, उसे माफ कर दो। देखो पुअर पीजेंट्स, पहले तो पुअर पीजेंट्स का बैकग्राउंड क्या है। सो जो गरीब फार्मर्स थे वो खेती बाड़ी कहाँ करते थे? बड़े बड़े फार्मर्स के लैंड्स पे। वो उनको रेंट भी भरते थे, जो भाड़ा चलता है वो भाड़ा भी देते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था भाड़े देना, रेंट देना। तो उन्होंने डिमांड किया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मतलब जमींदार हैं, वो वेव ऑफ कर दें। वेव ऑफ करना माफ कर दें उनका अनपेड रेंट, जो उनका जो किराया है लैंड का, भाई जो वो उनसे लैंड का जो भाड़ा लेते थे वो उन्हें माफ कर दें। बट कांग्रेस डिडंट सपोर्टेड नो रेंट कैंपेन। पर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया ये जो नो रेंट कैंपेन है। मतलब उन्होंने जो गरीब फार्मर्स थे उन्होंने नो रेंट कैंपेन चलाई थी। नो रेंट कैंपेन मतलब भाई हम अभी भाड़ा नहीं देंगे जमींदारों को, हम अभी भाई खेती करने का हम नहीं देंगे पैसा। पर कांग्रेस ने कुछ खास सपोर्ट नहीं किया इस नो रेंट कैंपेन को, क्योंकि कांग्रेस जो है अपना रिलेशनशिप जो अमीर फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स और रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदारों के साथ बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इन छोटे मजदूरों, छोटे फार्मर्स के साथ हाथ मिला के, अगर कांग्रेस इन पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस उनके खिलाफ है, रिच फार्मर्स के। सो कांग्रेस को वहां से अच्छा खासा पैसा आता था, अमीर फार्मरों से सपोर्ट मिलता था, फाइनेंशियल पैसा आता था। तो वो लोग जो अमीर फार्मर्स हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने जो ये जो गरीब फार्मर्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, उनकी जो नो रेंट कैंपेन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो पुअर पीजेंट्स का भी फिर जब वही उनको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस है जो सीडीएम मूवमेंट चला रही है, वही पुअर पीजेंट्स को इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो पुअर पीजेंट्स क्यों ज्वाइन होंगे। ठीक है, सो पुअर पीजेंट्स भी पीछे हट गए। अब आई बिजनेस क्लास। सो बिजनेस क्लास मतलब जो अमीर टाइप लोग होते हैं भाई, धंधे वाले अच्छे लोग। ठीक है, बड़े बड़े लोग वैसे। सो बिजनेस क्लासेस ने क्या करा? तो जो धंधे वाले लोग हैं उन्होंने किस तरह से सीडीएम को देखा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से देखा। सो बिजनेस क्लास ने दे वांटेड पॉलिसीज दैट सपोर्टेड बिजनेस वेयर एज कॉलोनियल पॉलिसीज रेस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। वो जो बिजनेस क्लास थे वो ऐसी नई नई स्कीमें, ऐसी नई नई पॉलिसीज चाहते थे कि जो उनके बिजनेस को सपोर्ट करें। जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, मतलब जो कॉलोनियल पॉलिसीज, जो मतलब जो ये अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, जो अंग्रेजों की जो लॉज थे, वो उनको कहीं ना कहीं बिजनेस करने से रोकते थे। मतलब लॉज ऐसे ऐसे थे, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप यहाँ से माल नहीं ला सकते हो, यहाँ नहीं बेच सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस क्लास जो है नई पॉलिसीज चाहती थी और यही कारण था उसने सीडीएम को सपोर्ट किया। ठीक है,
दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पॉलिसीज दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। सबसे बड़ा जो बिजनेस क्लास का मुद्दा था कि भाई आप जो है इम्पोर्ट रोक दें। इम्पोर्ट मतलब बाहर से, इम्पोर्ट क्या होता है अंदर आना, मतलब इम्पोर्ट मतलब बाहर से चीज अपने देश आना। तो वो उन्होंने सबसे बड़ी मांग भाई उनको सबसे ज्यादा था कि आप भाई बाहर से चीजें ना आने दें, इम्पोर्ट ना होने दें। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पॉलिसीज दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। मतलब उन्होंने क्या बोला कि बाहर से जो इम्पोर्ट है फॉरेन गुड्स का, पॉलिसीज का, वो बंद करा दो आप और डिस्करेज करो इम्पोर्ट्स को भाई, बढ़ावा ना दो। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर बाहर से सामान नहीं आएगा, बाहर के देशों से सामान नहीं आएगा, तो लोगों को, इंडियंस को तो इंडिया का ही खरीदना पड़ेगा ना। इम्पोर्ट अगर बंद हो जाएगी तो इंडियंस कमा लेंगे ना। तो वैसा बिजनेस क्लास ने मांग रखी। दे फॉर्म्ड, अब उन्होंने देखो क्या बनाया, दे फॉर्म्ड, अब ये नाम आपको याद रखने जैसे हैं, दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उन्होंने क्या बनाया, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन, जिसको शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी दो संस्थाएं बनाई, जो हमारे बिजनेस क्लास के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने ऐसी दो संस्थाएं बनाई। पहली संस्था का नाम क्या था, पहली संस्था का नाम था द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, मतलब जो धंधे वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए थी 1920 में, और द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको फिक्की शॉर्ट में बोलते हैं, वो बनाई 1927 में। 1920 में द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाई 1927 में। और इन दोनों को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, आज तक उनका नाम है परशोत्तम दास एंड जीडी बिरला, उन दोनों को ये, वो दोनों इनको लेड कर रहे थे। इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, जिनका नाम था परशोत्तम दास एंड जीडी बिरला, वो सपोर्ट कर रहे थे इन ऑर्गेन, उन्होंने ही बनाई थी मतलब। सो बिजनेस क्लास ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1927 में, कौन सी बनाई 1927 में, फिक्की बनाई, और 1920 में द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई। किसने लेड किया, परशोत्तम दास और जीडी बिरला, ऐसे बड़े बड़े नामों ने ये ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बने। चौथी मांग क्या थी बिजनेस क्लास की, चौथी मांग थी दे सपोर्टेड सीडीएम फिनेंशियली, मतलब मांग इन द सेंस कि उन्होंने किस तरह से, क्या रोल था उनका। तो बिजनेस क्लास का चौथा रोल ये था, वो सीडीएम को, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसको फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, पैसा, क्योंकि बिजनेस क्लास है, पैसा था, पैसा दे रहे थे। एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स, और बाहर का ना सामान मंगा रहे थे ना बेच रहे थे, मतलब इम्पोर्ट बंद कर दिया। बिजनेस क्लास ने कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि गांधी जी ने बोला था ना कि भाई हमें इनको डिसोबीडियंस करना है, सिविल डिसोबीडियंस मतलब हमें हर चीज़ को ना बोलना है, तो बाहर से आती हुई चीज़ों को ना बोला बिजनेस क्लास ने, ठीक है। दे सपोर्टेड सी डी एम फिनेंशियली एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। फिफ्थ, बिजनेस मैन व्यू स्वराज एज अ टाइम वेन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैन फ्लरिश विदाउट एनी कलोनियल रिस्ट्रिक्शंस। बिजनेसमैन ने स्वराज को कैसे देखा, बिजनेसमैन ने स्वराज को ऐसा टाइम की तरह देखा। बिजनेसमैन व्यू स्वराज एज अ टाइम व्हेन ट्रेड, उनके लिए स्वराज क्या था, देखो हर किसी के लिए स्वराज, देखो आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्वराज क्या है, एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स में अच्छे नंबर आना। आपके पिताजी, आपके फादर के लिए स्वराज क्या है, बिजनेस अच्छा होए उनका, ठीक है, अच्छा कमाए। मदर के लिए स्वराज क्या है, मम्मा के लिए स्वराज कि बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं, ठीक है, बच्चे बिगड़े नहीं, गलत रास्ते पे ना जाएं। हर किसी के लिए जो एक स्वराज, फ्रीडम का अलग मीनिंग है। तो बिजनेसमैन के लिए हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग था सीडीएम का। सो बिजनेसमैन का इंटरप्रिटेशन क्या था स्वराज का, कि जब ऐसा टाइम आएगा जब ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैन फ्लरिश, मतलब हमारा बिजनेस फलेगा, फूलेगा, फ्लरिश मतलब एकदम
तरक्की करेगा विदाउट एनी कलोनियल रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी जो ये ब्रिटिशर्स के कोई नियम कानून कुछ भी नहीं होंगे और हम लोग तरक्की करेंगे, वही उनके लिए स्वराज था। ठीक है, हर क्लास के लिए स्वराज का अलग अलग मतलब था और हर क्लास, चाहे बिजनेस क्लास, पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, सब क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर किसी को अपना अपना फायदा था। ऑब्वियसली कोई क्यों कहीं क्यों कोई क्यों हाथ डालेगा अपना, ठीक है, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है आप क्यों किसी चीज में घुसोगे। ठीक है, तो सबको एक्चुअली प्रॉब्लम तो थी ब्रिटिश रूल में, तो सब कहीं ना कहीं एक हो रहे थे और गांधी जी यही चाह रहे थे कि सब एक हों तो ही ब्रिटिशर्स को निकाल पाएंगे हम। ठीक है, अभी वर्किंग क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास का क्या सपोर्ट रहा। ठीक है, आपने फार्मर्स पढ़े, आपने रिच फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, आपने बिजनेस क्लास, अब वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास मतलब जो इन फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे, मजदूर, मिल वर्कर्स। ठीक है, तो इन सब ने क्या, इन सब का क्या रोल रहा। सो वर्किंग क्लास का क्या रोल रहा, ओनली सम वर्कर्स टू पार्ट इन CTM एक्सेप्ट नागपुर रीजन, कुछ ही वर्कर्स ने पार्ट लिया CTM में, नागपुर रीजन के अलावा कुछ ही वर्कर्स ने पार्ट लिया। दे अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स। जो वर्किंग क्लास ने गांधी जी को सपोर्ट किया, कैसे, फॉरेन क्लोथ्स नहीं खरीदे, गुड्स नहीं खरीदे, उनके लिए मूवमेंट क्या था, उनके लिए CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था वर्किंग क्लास के लिए, उनके लिए ये मूवमेंट था वॉज अगेंस्ट लो वेजेस। लो वेजेस मतलब, लो वेजेस का मतलब क्या होता है, कम पगार एंड बैड वर्किंग कंडीशंस। बैड वर्किंग कंडीशंस का मतलब ये जो उनको खराब बात, मतलब उन फैक्ट्रीज में जो उनका ध्यान नहीं रखा जाता था, या तो उनके लिए स्वराज क्या था, वर्कर्स के लिए स्वराज था कि लो वेजेस, कम तनख्वाहें और खराब वर्किंग कंडीशंस। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। उन्होंने स्वराज को सपोर्ट करते टाइम रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी काम पे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिसोबीडियंट करना था ना भाई, मानना नहीं था, तो रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे उतरे 1930 और जो डॉक वर्कर्स थे, ठीक है, डॉक वर्कर्स आप बोल सकते हो तट के आजू बाजू, कोस्टल एरियाज के आजू बाजू जो काम चलता है वहाँ पे डॉक वर्कर्स थे। सो 1932 में उन्होंने वो स्ट्राइक पे उतर गए कि हम काम नहीं करेंगे। 1930 में थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधीयन कैप्स, और 1930 में हजारों वर्कर्स थे जो छोटा नागपुर की जो माइंस थी, खदानें थी, टिन की खदानें थी, वहाँ उन सब ने गांधी की कैप पहनी, गांधी की टोपी पहनी, गांधी टोपी, एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। उन्होंने पार्टिसिपेट किस में किया, पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट रैलीज में, मतलब वो रैलियाँ जो प्रोटेस्ट के लिए निकली थी। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया सारी रैलियों में जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था और जहाँ जहाँ बॉयकॉट हो रहा था, उन सारी कैंपेन्स में भी भाग लिया। कांग्रेस डिडंट वांटेड टू मेक वर्कर्स डिमांड एज द पार्ट ऑफ देयर मूवमेंट। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इन वर्कर्स की डिमांड उनके मूवमेंट का भाग बने। Because with this the rich class wouldn't have supported them. अब फिर से देखो वही बात आ गई, वर्किंग क्लास की जो ये सारी, वर्किंग क्लास का क्या क्या था मांग, देखो उनकी मांग थी कि भाई वेजेस बढ़ाई जाए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। ठीक है, तो ये सारी मांगे जो हैं कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो CDM मूवमेंट था। एक्चुअली CDM मूवमेंट किया किसने था, गांधी जी ने। गांधी जी किसके थे, कांग्रेस के थे। तो ये जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट नहीं करती थी वर्कर्स की डिमांड को। क्यों, क्योंकि साथ में बिजनेस क्लास भी तो थी ना सपोर्ट में। अब बिजनेस क्लास मतलब वो सारे बिजनेसमैन जो इन्हीं वर्कर्स को जॉब पे रखते हैं, तो वो कैसे सपोर्ट करेगी इनको जबकि वो उनको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस जो है दोनों को कैसे सपोर्ट कर सकती है, या तो वो अमीर बिजनेसमैन को सपोर्ट करे या गरीब वर्किंग क्लास को सपोर्ट करे।
तो ज्वाइन तो सबने किया खुशी खुशी, पर कांग्रेस किसको सपोर्ट दिखा रही थी, किसकी मांगों पे पहल कर रही थी, जैसे कि बिजनेस क्लास चाह रही थी कि हमारे लिए नियम थोड़े सही हो जाएं, भाई धंधे के लिए नियम थोड़े अच्छे हो जाएं, तो वहां कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। तो कांग्रेस ने इन वर्कर्स को कुछ सपोर्ट खास नहीं दिखाया उस टाइम, क्योंकि पैसा उनको आता था बिजनेस क्लास से, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, इतना बड़ा मूवमेंट है, पैसा चाहिए था, तो वो कोई वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस क्लास को दुखी नहीं कर सकते थे। इसलिए कांग्रेस को बहुत इंटरेस्ट नहीं था वर्कर्स की डिमांड में, और इसलिए वो उनको खास सपोर्ट नहीं, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली फिर वर्कर्स ने भी नहीं किया होगा, ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, सो इस तरह से ये वर्किंग क्लास का जो है सपोर्ट रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब देखो किसी भी कोई भी मूवमेंट, कुछ भी कोई भी चीज, औरत के बिना अधूरी है। ठीक है, वुमन वुमन के बिना कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट, कोई भी रैली, कुछ भी औरत के बिना अधूरी है। तो वुमन, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमन इन सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों का क्या रोल था? सो वुमन पार्टिसिपेट इट इन लार्ज नंबर्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, औरतों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। थाउजेंड्स ऑफ वुमन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। गांधी जी जब स्पीच देते थे, औरतें अपने घरों से निकल के, हजारों की तादाद में औरतें घरों से निकल के वो उनकी स्पीच सुनने आती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स। ठीक है, औरतों ने भी क्या किया, तो क्या हुआ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट मार्चेस में। प्रोटेस्ट मार्चेस मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मार्चेस का मतलब वो जो ग्रुप का ग्रुप जब ऐसे एकदम लाइन बना के प्रोटेस्ट करने निकलता है वैसा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट मतलब सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भाई आपने देखा था डांडी मार्च पे, भाई गांधी जी ने कैसे तोड़ा था नमक का कानून। एंड बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, उन्होंने वो जो एक और मूवमेंट चला था कि भाई बॉयकॉट करना है फॉरेन की चीजों को, तो उन्होंने, लेडीज ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। मैनी वर पुट टू जेल बाय द पुलिस, और इसके कारण इवन औरतों को भी पुलिस ने पकड़ा इन प्रोटेस्ट के कारण। दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमन। औरतों ने क्या, औरतों को क्या लगा कि ये हमारा एक पवित्र अधिकार है, मतलब ये एक हमारी ड्यूटी है हमारे नेशन के प्रति कि हम नेशन की सर्विस, मतलब औरतों में भी देशभक्ति का प्रेम था, मतलब औरतों में भी ये सर्विस टू द नेशन, ये जो प्रेम था देशभक्ति का वो आया। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन क्या है। सीडीएम का अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांच पांच पॉइंट्स हैं कि सीडीएम की क्या प्रॉब्लम थी। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भी प्रॉब्लम थी, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या लिमिटेशंस थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, पहली लिमिटेशन, कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू प्लीज हाई कास्ट हिंदूज, हैंस पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस वॉज लिमिटेड। क्या मतलब सीडीएम कहाँ चूक गया, क्यों सीडीएम एक तरह से आप बोल सकते हो थोड़ा सा फेल गया, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या उनकी मतलब क्या बोलते हैं रुकावटें क्या थी। सबसे पहला, जब कांग्रेस ने सीडीएम लॉन्च किया तो उन्होंने जो दलित थे, डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड मतलब नीची क्लासेस, जो ओबीसी एससी एसटी दलित, तो इन सबको उन्होंने इग्नोर किया, मतलब सीडीएम में उनको नहीं, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनको नहीं उकसाया गया हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च हुआ होगा तो कांग्रेस वाले गए होंगे भाई पहले बिजनेस क्लास के पास, औरतों के पास, सबके पास गए होंगे, पर ये लोग दलितों और डिप्रेस क्लासेस के पास नहीं गए कि भाई आओ हम, भाई ज्वाइन हो जाओ तुम भी। क्यों? क्योंकि वो अपने, उनको हाई कास्ट हिंदूज सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, कांग्रेस को जो उच्च जात वाले हिंदूज थे वो सपोर्ट कर रहे थे, और वो इन नीच जात वाले लोगों को सपोर्ट करके इन ऊंच जात वाले हिंदूस को दुखी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो फिर दलित और डिप्रेस क्लास क्यों ज्वाइन होंगे, ठीक है, जब वो उनको, उनको अगर हिंदुओं को ही सपोर्ट करना है, हाई कास्ट भाई उच्च, भाई ऊंचे लेवल के ब्राह्मणों और उनको सपोर्ट करना है, तो फिर
दलित और डिप्रेस क्लासेस क्यों ज्वाइन होंगे, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अब ज्वाइन नहीं किया तो सपोर्ट नहीं किया, ऐसा ही हुआ ना। सो पहला लिमिटेशन तो ये था, इन लोगों ने दलित और डिप्रेस क्लासेस को इग्नोर किया। सेकेंड, कांग्रेस इटसेल्फ एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स। कांग्रेस ने खुद को बड़े बड़े हिंदू संगठनों से जोड़ लिया, मतलब जो अलग अलग नहीं चलते, हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, ये संगठन, वो संगठन। सो वैसे ही हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे तो कांग्रेस ने खुद को उसके साथ जोड़ लिया। ठीक है, तो भाई बड़े बड़े नेशनल हिंदी हिंदू ग्रुप्स के साथ जोड़ लिया ताकि वो जुड़ें भाई, वो कांग्रेस को जुड़ें। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई राष्ट्रीय जनता दल और ऐसे ऐसे अलग अलग जो दल होते हैं जो कट्टर हिंदूवादी होते हैं, तो वैसे ही कुछ उस टाइम मतलब जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स रहे होंगे उनसे सपोर्ट मांगा। तो इसमें जो मुस्लिम्स थे, द मुस्लिम्स फेल्ट एलिएनेटेड। एलिएनेटेड का मतलब अलग थलग। मुसलमानों को ऐसी फीलिंग आई कि भाई हम तो अलग हैं, एलिएनेटेड फीलिंग। सो मुस्लिम्स फेल्ट एलिएनेटेड, सो देयर वॉज लेस मुस्लिम पार्टी पार्टिसिपेशन। सो इसलिए जो मुसलमानों की पार्टिसिपेशन थी वो भी कम थी। तो ऊपर देखो, इन्होंने डिप्रेस्ड और दलित क्लासेस पे ध्यान नहीं दिया इसलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और कोई दलित्स और डिप्रेस्ड कोई कम नहीं थे इंडिया में, बहुत थे उस टाइम। मुस्लिम्स को भी उन्होंने इतना मतलब भाव नहीं दिया तो मुस्लिम भी नहीं ज्वाइन हुए। सो उस टाइम मुस्लिम भी कोई कम नहीं है इंडिया में, मुस्लिम भी हैं, तो इनको मुसलमानों का भी सपोर्ट नहीं मिला CDM को। तीसरा, मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल असेंबली। मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाह रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहा था कि आप मुसलमानों के लिए, सेंट्रल असेंबली में सीट्स रखो। ठीक है, आप सेंट्रल असेंबली मतलब पार्लियामेंट टाइप। ठीक है, सो आप पार्लियामेंट में, जैसे रिजर्वेशन नहीं होता SC ST के लिए रिजर्वेशन, वैसा आप कुछ मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन रखो और हम मुसलमानों की सीट वहाँ फिक्स रखो कि इतने मुस्लिम्स तो लेने ही लेने हैं। तो बट सच डिमांड्स पर, ये जो डिमांड्स थी इनकी, ठीक है, कौन सी डिमांड्स कि भाई मुसलमानों को आप उनके लिए सीट्स रखो, बट सच डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड। उनकी ये वाली जो डिमांड थी कि भाई मुसलमानों के लिए थोड़ी सी सीट्स रखो सेंट्रल असेंबली में, बट सच डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड। ये डिमांड्स क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, नहीं मानी कि भाई हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो तो हिंदू का सपोर्ट चला जाएगा। आप उसके लिए सीट रख रहे हो तो हिंदूस भी काम थोड़ी है, वो भी मांगेंगे, झगड़े होंगे, तो नहीं माने कांग्रेस वाले। ठीक है, सो ड्यू टू डिस्ट्रस्ट, तो एक तरह का डिस्ट्रस्ट हो गया था ना, मुसलमान कांग्रेस पे भरोसा कर पा रहे थे ना, कांग्रेस को इतना ज्यादा उनका सपोर्ट का था, तो एक तरह का डिस्ट्रस्ट हो गया। डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास ही नहीं था। सो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू CDM, इसलिए बहुत मतलब मुसलमानों ने खुल के सपोर्ट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, डिप्रेस्ड क्लास को दलितों ने नहीं किया, मुसलमानों ने नहीं किया। अब और एक ये फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी आगे पढ़ के आयो, कौन सी पॉइंट है ये फोर्थ पॉइंट, लिमिटेशन क्या थी, रिच पीजेंट्स वर डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट वॉज बींग कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बींग रिवाइज, सो मैनी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वॉज री स्टार्टेड इन 1932। ऑलरेडी आगे पढ़ के आयो रिच पीजेंट्स में, कि रिच पीजेंट्स ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड थे, दुखी थे। क्यों, जब अचानक से गांधी जी ने 1931 में मूवमेंट बंद कर दिया था। बंद क्यों किया था, कि उस टाइम दंगे वगैरह हो रहे थे, मतलब ऐसा भाई लोगों के लिए बंद ही किया था, पर अचानक से बंद हो गया था। और जो उनकी मेन मांगे थी, रिच पीजेंट्स जो सपोर्ट कर रहे थे, वो इस मांग के साथ सपोर्ट कर रहे थे कि जो रिवेन्यू रेट्स हैं वो रिवाइज हो, मतलब जो टैक्स है वो थोड़ा कम हो, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और अचानक से मूवमेंट बंद हो गया। तो जब वापस गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया 1932 में, तो उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, वो कल आपने पढ़ा भी था, तो उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, फिफ्थ,
कांग्रेस वॉज क्लोज टू एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट। कांग्रेस किसके करीब थी? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के करीब थी और वो उन्हीं को सपोर्ट करती थी। हैंस द वर्किंग क्लास डिड नॉट टुक पार्ट इन सीडीएम। और क्योंकि कांग्रेस बड़े बड़े बिजनेस क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट के सपोर्ट करती थी, तो जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर का क्लास थी भाई, जो उनके यहाँ काम करती थी, उस क्लास ने सीडीएम को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस किस का सपोर्ट नहीं मिला सीडीएम को। दलित और सप्रेस क्लासेस का, मुस्लिम्स का और वर्किंग क्लास का। तो मोस्टली आप देखो जो जितने भी जो लो कम कम थे मात्रा में, उन लोगों का मतलब कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं लिया। पर मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद बने सागर। तो आप इतने सारे लोगों का सपोर्ट नहीं ले रहे हो तो आपका मूवमेंट सक्सेसफुल कैसे होगा? क्योंकि ये तो एक नेशन वाइड मूवमेंट था, पूरे देश में ये मूवमेंट चलाना था। ठीक है, तो कैसे सक्सेस होता? सो ये सीडीएम मूवमेंट यहाँ यहाँ नीचे पड़ा। ठीक है, गिरा थोड़ा सा। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक और इम्पॉर्टेंट है इसके बाद, लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, पूना पैक्ट। ठीक है, सो पूना पैक्ट क्या था? सो 1932 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्या था? पैक्ट का मतलब होता है करार जैसा, और पूना में भी ये पूना में हुआ होगा। ठीक है, सो सितंबर 1932 का पूना पैक्ट था। तो उसमें क्या था? सो फर्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशंस डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। अब आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, शुरू से दलितों के हक के लिए लड़ते आए हैं, क्योंकि वो खुद भी एक दलित थे, माहर कास्ट के थे वो। ठीक है, माहर जाति के थे। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, उन्होंने दलित को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशंस में सेपरेट कर दिया। मतलब उन्होंने बाकायदा एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, और उसमें उन्होंने सारे दलितों को पार्टिसिपेट कराया, मतलब उसमें उनको शामिल कर दिया। और फिर उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। उन्होंने क्या बोला कि दलितों के लिए अलग से इलेक्शंस हों। ठीक है, दलितों की अलग से सीटें हों, उनके लिए अलग से इलेक्शंस हों, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने स्टैंड लिया दलितों के लिए, तो बी आर अम्बेडकर ने मे बी उस टाइम आपको लग रहा होगा, आज लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा ज्यादा ही हो गया, पर उस टाइम ये ज़रूरत थी। मतलब बहुत अनटचेबल्स की बहुत बुरी हालत थी, मतलब आप उनको मंदिरों में एंटर नहीं होने देते थे, कोई भूल से छोटी जात वाला बड़ी जात वाले से शादी कर ले, मार दिया जाता था। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही थे उस टाइम कि उन्होंने दलितों को सपोर्ट किया। तो दलितों के लिए उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई, और उन्होंने मांग रखी कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब अलग से इलेक्शन, भी दलितों की एक अपनी इज्जत हो। ठीक है, क्योंकि हिंदू तो इज्जत दे नहीं रहे थे। सो हिंदू इन द सेंस ब्राह्मण जो ऊंच जात वाले थे, वो उनसे इज्जत मिल नहीं रही थी, तो कहते सेपरेट इलेक्टोरेट हो, उनकी इज्जत बनी रहे। सो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगेन फास्टिंग अंटिल डेथ। अब मजे की बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई अम्बेडकर की जो डिमांड थी कि भाई दलितों को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, सेपरेट पावर्स देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुशी खुशी मान गई। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ओपन, ऑब्वियसली बाहर से आई थी, ओपन माइंडेड गवर्नमेंट थी, और वो मान गई कि हाँ भाई सही बात है, दलितों के साथ तो अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने अम्बेडकर की डिमांड मान ली, पर गांधी जी ने फास्ट पे उतर गए। गांधी जी ने कहा कि मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ मरने तक, कि अगर तुम अगर ऐसा करोगे, तुम अगर दलितों को अलग से इलेक्टोरेट बनाओगे, उसकी अलग से पावर्स दोगे, तो मैं फास्ट पे उतर आऊँगा। भाई वो फास्ट करने ही लग गए, गांधी जी फास्टिंग पे उतर आए, वो मतलब व्रत पे उतर आए। फास्टिंग मतलब क्या बोलते हो आप हिंदी में? फास्ट पे उतर आए मतलब वो अन्न जल का त्याग करके आंदोलन, मतलब एक अन्य जल का त्याग कर दिया, खाना पीना छोड़ के बोले आप अगर ये इलेक्टोरेट सेपरेट बनाओगे दलितों की, तो मैं मर जाऊंगा,
पर मैं ये होने नहीं दूंगा वैसा। तो थर्ड, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अब गांधी जी की अपनी सोच देखो, गांधी जी गलत नहीं थे, मैं भी आप लोगों को अभी गांधी जी गलत लगे जो मैंने पॉइंट बोली, अब ये वाली पॉइंट सुनो। गांधी जी का मानना था कि अगर आप दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाओगे, उनके लिए अलग आप बनाओगे, अलग कैबिनेट सब अलग बनाओगे, तो वो करने से वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। भाई जो हम काम कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी एक हो जाए, कि दलित हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाएं, वो काम तो अधूरा रह जाएगा। हमको दलितों को सोसाइटी में ऐड कराना है, मतलब सोसाइटी वाले अभी दलितों को नीचे मानते हैं पर हमें उनको साथ में करना है। आपको पता नहीं होगा गांधी जी दलित्स को हरिजन कहते थे, हरिजन मतलब भगवान का बच्चा, ठीक है, हरि मतलब भगवान और जन मतलब बच्चा, ठीक है। सो गांधी जी को दलितों के लिए कुछ बुरे रिगार्ड्स नहीं थे, वो सिर्फ चाहते थे अगर अभी आपने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए तो हम जो चाह रहे हैं कि उनको सोसाइटी का एक हिस्सा बना दें तो वो कैसे बना पाएंगे, क्योंकि आप तो उनको सेपरेट कर रहे हो। तो गांधी जी को ये बात सही नहीं लगी। आखिर अंबेडकर को झुकना पड़ा गांधी जी के आगे। अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932। अंबेडकर मान गए गांधी जी की सोच, समझ गए, और उसी की वजह से पूना पैक्ट साइन की गई सितंबर 1932 में। सो पूना पैक्ट क्या थी? पूना पैक्ट जो थी, पूना पैक्ट में था कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित्स हैं, एससी एसटी ओबीसी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। एक तरह का रिजर्वेशन बिल बोल सकते हो आप, उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। कहाँ कहाँ? प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, मतलब जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं प्रोविंसेस में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर जगह उनके लिए खाली सीट्स रखी जाएंगी। मतलब दलितों के लिए कुछ पर्सन खाली रखा जाएगा और वहाँ जो है दलित ही वहाँ पे उसका ही चुनाव होगा। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। पर वोटिंग तो कौन करेगा? जनरल लोग ही करेंगे, मतलब वोटिंग सब करेंगे, भले दलित को बिठाएंगे पर वोटिंग तो जनरल लोग ही करेंगे, मतलब सब मिलके करेंगे ऐसे, ठीक है। सो पूना पैक्ट में क्या था? पूना पैक्ट जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुई थी सितंबर 1932 में, पूना पैक्ट में था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएं प्रोविंशनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, पर जब वोटिंग होगी तो बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। वोटिंग तो कौन करेगा? जनरल इलेक्टोरेट ही करेंगे, जो जनरल लीडर्स हैं, जनरल कैटेगरी के लीडर्स हैं वही करेंगे, भले लाएंगे दलित को पर वोटिंग सब करेंगे वैसा। सो ये थी पूना पैक्ट एंड दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट में हम आ रहे हैं चैप्टर की, सो द लास्ट टॉपिक। अभी ये सब के बीच में सब में अभी अब आप में भी मेरे ख्याल से इतने दिनों से जो ये नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो पढ़ के ही आप में देशभक्ति आ गई होगी, ठीक है। कहीं कहीं तो आपको अपने देश पे बहुत ही प्राउड फील हुआ होगा, ठीक है, आपको अपने देश के लिए बहुत ही एक प्राउड सी फीलिंग आ गई होगी देशभक्ति की, ठीक है। तो वैसे ही यही हमारा क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग इंडियंस, ठीक है। क्या है कि जो है कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने हम इंडियंस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाई, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब हम सब एक हैं वो वाली फीलिंग इंडियंस में लाई, वो कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है। सो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग इंडियंस। अब इतना तो आप मानते हो कि हम जो आजाद हुए थे वो हम यूनिटी की वजह से ही आजाद हुए, कहीं ना कहीं हम सब एक हो गए, सारे क्लासेस एक हो गए, मतलब सबने मिलके ब्रिटिशर्स का सामना किया तो ही हम आजाद हो पाए, ठीक है। गांधी जी की सोच सही रही, पर ये एक करने में कलेक्टिव कि हम सब एक हैं
वो सोच में कौन कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया. सो पहला फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वॉज पीपल केम टुगेदर टू फाइट ब्रिटिश. दैट इज यूनाइटेड स्ट्रगल इग्नाइटेड सेंस ऑफ नेशनलिज्म. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि सबकी एक ही सोच कि हमें ब्रिटिशर से लड़ना है. इसका मतलब यूनाइटेड स्ट्रगल इग्नाइटेड सेंस ऑफ नेशनलिज्म. यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब हम सब ने मिल के स्ट्रगल किया और इसी से ही हमारे मन में एक ज्वाला जली सेंस ऑफ नेशनलिज्म की, देशभक्ति की एक भावना जगी. ठीक है, यूनाइटेड स्ट्रगल की, यूनाइटेड स्ट्रगल किया सबने मिलके तो नेशनलिज्म की भावना जगी. सेकेंड, हिस्ट्री फिक्शन सॉन्ग्स फोकलोर प्रिंट्स सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म. और ये नेशनलिज्म, ये जो देशभक्ति की भावना थी, उनमें और कैसे बढ़ावा कैसे मिला. पहले तो सब साथ में स्ट्रगल करने लगे और दूसरा हमारी हिस्ट्री, मतलब जो हमारी भाई पुराना हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री क्या थी. देखो आप आज भी कोई आपको हिस्ट्री बताता है, आपकी जो दादी नानी बताती है तो कैसे बिठा के बताती है कि उस टाइम तो सोने की चिड़िया था, घी तो ऐसा हुआ करता था कि हड्डियां मजबूत होती थी, उस टाइम तो ऐसा था उस टाइम. तो आपके जो आपके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ कि क्या टाइम था, मतलब हमारे कैसे तो लोग थे, मतलब क्या तो बहुत आपके लिए, मतलब ऐसे एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है. ठीक है, सो वैसे ही हिस्ट्री जो हमारे देश की हिस्ट्री थी, ठीक है, फिक्शन और भाई और भी चीज़ें थी भाई, फिक्शन वगैरह सॉन्ग्स फोकलोर मतलब भाई छोटी छोटी कहानियाँ होती है ना गली कस्बों की वैसी, प्रिंट्स और फिर प्रिंट्स भी भाई देश के भाई प्रिंट भाई अलग अलग पोर्ट्रे दिखाता हुआ है हमारे देश की प्रिंटिंग, एंड सिम्बॉल्स कुछ सिम्बॉल्स भी थे. ठीक है भाई, भाई आप देखोगे तो जो भारत माता है वो पूरी तरह से सोने से लदी हुई है, तो क्या दिखाते, सोने की चिड़िया था उस टाइम देश, तो वैसा कुछ सिम्बॉल्स. ऑल प्लेड अ पार्ट इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म. सो इन सब चीज़ों ने सब में देशभक्ति की भावना और जगाई, पार्ट इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म. ठीक है, थर्ड, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड फर्स्ट बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो जो इंडिया की जो एक इंडिया के बारे में जो जब भी कोई सोचता था इंडिया, तो सबके मन में एक इमेज आती थी भारत माता की. और वो भारत माता की इमेज किसने क्रिएट की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. मतलब इंडिया को भारत माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोला था. ये एक एलिगोरी था, एलिगोरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. कोई इंडिया सच्ची में भारत माता नहीं है, इंडिया को हम भारत माता मानते हैं. ठीक है, सो भाई हमारी माता है तो हमें उसको अपनी माँ की तरह हमें रिस्पेक्ट करना है और हमें अपनी माँ की तरह उसकी इज्जत की रक्षा करनी है. हमारी माँ की तरह हमें उसको बाहर के जो बुरे तत्व हैं उनसे बचाना है. तो एक तरह से जो ये विजुअली भारत माता बोला गया, एक इससे भी लोगों में देशभक्ति की भावना जागी. ठीक है, इन 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हैंड टू द मदरलैंड. ठीक है, 1870 में फिर उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा, जो एक मदरलैंड, जो हमारी भारत माता के लिए कुछ पंक्तियां उन्होंने, कुछ हाइन एक गीत की तरह उन्होंने हमारे देश को समर्पित वंदे मातरम लिखा. ठीक है, जिसमें भाई वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम अलयज, ठीक है, उसमें सब नाम लिखे सारे भाई सिंध और, ठीक है, सब कुछ मतलब उसमें आया. इन लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स. 19th सेंचुरी के एंड में जो सारे नेशनलिस्ट थे वो जो है फोक टेल्स को रिकॉर्ड करने लगे, संग बाय बार्ड्स. तो बार्ड्स वो थे जो कि देशभक्ति के गाने गाते थे भाई, जो लोग देशभक्ति के लोगों, मतलब जो हीरोज थे उन पे गीत गाते थे, जो शहीद थे उन पे गीत गाते थे, बार्ड उन्हें कहा जाता था.
तो क्या करते थे नेशनलिस्ट, जो मतलब देशभक्त लोग होते थे, वो ये सब उनके फोक टेल्स, मतलब जो ये लोकगीत गाते थे, जो ये देश जो शहीदों पे गाने गाए जाते थे, उसको रिकॉर्ड करके और विलेज विलेज घूम के वो सब इकट्ठा करते थे। दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स मतलब भाई लोग, आप मतलब आप कभी किसी का फोक सॉन्ग सुनो, आप किसी, मेरे को आपको ऐसी, मेरे को खुद को ऐसी फीलिंग आती है किसी, आप भाई हमारे देश में ये वैरायटी है, और कहीं ना कहीं ऐसे जैसे आपको अपने देश पे एक सेंस ऑफ प्राइड होता है एंड लेजेंड्स। सो वो लोग क्या करते थे, दे टूर विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, मतलब उनके किस्से और ये सब इकट्ठा करते थे नेशनलिस्ट, और फिर वो सब इकट्ठा करके वो सुनाते थे सबको, वही जिस जैसे उन लोगों में देशभक्ति की भावना जागे। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और दूसरा एक तरीका था नेशनलिज्म की भावना जगाना कि हिस्ट्री को फिर से देखो, मतलब हिस्ट्री को एक री इंटरप्रिटेट, मतलब भाई हम थे सोने की चिड़िया, ठीक है, वैसे करके बताओ कि हमारा देश महान शहीदों का रहा है, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई रही है, हमारे देश में तात्या तोपे रहे हैं, वैसे री इंटरप्रिटेशन, आप जो हमारी हिस्ट्री थी उसके बारे में उसको बताओ आप अपनी जनरेशन को। सो इस तरह से ये जो पांच चीजें, ये पांच कारण थे जिसकी वजह से लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जागी इंडियंस में। पहला था यूनाइटेड स्ट्रगल, दूसरा था भाई सब फोकलोर, हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, ये सब। तीसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता बोला था, उसने वंदे मातरम लिखा था। इसके बाद जो नेशनलिस्ट थे वो सब वो जो फोक टेल्स और सॉन्ग्स ये सब इकट्ठे कर रहे थे। और पांचवा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को दोहराना, मतलब हिस्ट्री को एकदम नाटक करा करते थे कि भाई इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई निकली थी महल से, नाटक करा नाटक की भाई शहीद भगत सिंह को भाई किस तरह से किया गया। तो इस तरह से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते थे लोग। तो इस तरह से दिस वॉज योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। सो चैप्टर वॉज, ये मेरे को लगता है चैप्टर एकदम आराम से प्रिपेयर होगा आपका। हाँ, मैंने तो अच्छे से पढ़ाया, पर दूसरी चीज़ है नेशनलिज्म इन इंडिया है, ठीक है, इंडिया, हम सब इंडियंस हैं, एंड हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हम कहीं ना कहीं वाकिफ रखते हैं, वी आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। जब भी मैंने कोई भी नाम लिया होगा आप तुरंत रिलेट करे होंगे उस चीज़ के साथ। सो चैप्टर आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे, एंड प्लीज डू रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, ठीक है। ये जो फ्रीडम है बहुत ही हार्ड अर्न्ड फ्रीडम है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ही हार्डली अर्न किया है ये फ्रीडम हमारे लिए। रिस्पेक्ट इट, अच्छी जगह ये आपकी जो आज़ादी है अच्छी जगह लगाओ, पेरेंट्स देखते नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि आप गलत गलत साइटों पे चले जाओ। पढ़ने के लिए फ़ोन यूज लेते हो तो फ़ोन में पढ़ो ही और कुछ मत करो, फ्रीडम है तो प्लीज़ उसे रिस्पेक्ट करो। सो विद दिस वी आर एंडिंग आर चैप्टर, नाउ सी समथिंग एल्स। बच्चों, बैक एक्सरसाइज फिलहाल नहीं डिस्कस करती हूँ मैं आपको, इस चैप्टर में से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो थोड़े से मैप बेस्ड क्वेश्चंस देख लो, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं 2015 और 2017 में, 14 में। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। ये मैप ऑफ इंडिया है, और ये जो 1 2 3 4 5, ये पांच आपको हिंट्स दी हुई हैं, इन हिंट्स को आपको पढ़ के आपको स्टेट्स के नाम लिखने हैं, स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो भी नाम हैं वो लिखने हैं, जगह के नाम लिखने हैं, और फिर आपको यहाँ लोकेट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले है जलियांवाला बाग मैस्कर। सो जलियांवाला बाग मैस्कर कहाँ हुआ था, अमृतसर में। सो आंसर है अमृतसर, और आपको यहाँ इस मैप में लोकेट करना है। सो अमृतसर कहाँ आया, तो अमृतसर आपका यहाँ आया, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ अमृतसर आया। सो यहाँ आप अमृतसर को लोकेट करोगे। नेक्स्ट है, अ प्लेस ऑफ बिहार वेयर गांधी जी इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बिहार में वैसी जगह जहाँ गांधी जी ने फार्मर्स को साथ दिया था। सो क्या थी वो, चंपारण। सो चंपारण कहाँ आया,
सो चंपारण आया, तो चंपारण देखो यहाँ आया, ये वाली पोजीशन है, यहाँ आया आपका चंपारण, ठीक है, यहाँ दिस इज द वेयर प्लेस वेयर चंपारण कम्स, बिहार में है ना चंपारण, ठीक है। थर्ड वन है अ प्लेस एसोसिएटेड विथ कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर से जोड़ी जाती है, कॉटन मिल वर्कर, सो अहमदाबाद, सो अहमदाबाद तो पता ही है यहाँ गुजरात में, सो अहमदाबाद। नेक्स्ट है अ प्लेस एसोसिएटेड विद नो टैक्स कैंपेन, लोगों ने बोला था हम टैक्स ही नहीं देंगे, सो नो टैक्स कैंपेन के साथ कौन सी जगह जोड़ी गई है, बारडोली, सो बारडोली भी कहाँ आया, तो बारडोली कहाँ आया, यही गुजरात में ही है, तो देखो यहाँ इस यहाँ आया, ठीक है, अहमदाबाद के नीचे बारडोली, सो यहाँ बारडोली आया, ठीक है, गुजरात के अंदर ही आता है। इसके बाद नो टैक्स कैंपेन बारडोली में चली थी। इसके बाद हेयर गांधी जी सेरेमनीली वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, कहाँ सॉल्ट लॉ तोड़ा था गांधी जी ने, तो डांडी में, सो यहाँ बारडोली के नीचे ही, गुजरात में ही डांडी, गुजरात में ही बारडोली के नीचे डांडी, बारडोली के ऊपर अहमदाबाद है, अहमदाबाद के नीचे बारडोली, बारडोली के नीचे डांडी, सो ये तीनों यहाँ पे हैं आपके, ठीक है। मैं आपको पिक भेज दूंगी मैप की कंप्लीट अच्छे से इस चैप्टर के। अच्छा, और यहाँ देखो क्वेश्चन टू भी देख लेते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ऐसे आते हैं, देखो सब पूछे हुए हैं 2014-17 वगैरह में। सो मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया, अ प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1919 की मीटिंग कहाँ हुई थी कांग्रेस की, सो अमृतसर में हुई थी, सो अमृतसर कहाँ है, तो यहाँ देखो इन्होंने जो है अमृतसर यहाँ दिखाया ही हुआ है, सो डायरेक्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के नीचे ये रहा अमृतसर 1919 में। फिर उसके बाद है सेकेंड, अ प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1920, कांग्रेस का सेशन 1920 में कहाँ हुआ था, सो कलकत्ता, ठीक है, नागपुर में कलकत्ता, सो 1920 में, अच्छा दोनों जगह हुआ था, 1920 कलकत्ता में भी हुआ था, नागपुर में भी हुआ था। सो ये देखो इसके दो आंसर्स हैं, आपको कलकत्ता भी दिखाना है, ये आपको कलकत्ता भी दिखाना है, ये रहा आपका कलकत्ता और ये रहा आपका नागपुर, ठीक है, सो दोनों आपको दिखाने हैं, सो कलकत्ता और नागपुर दोनों जगह 1920 में मीटिंग हुई थी, तो हम दोनों नाम दिखाएंगे। थर्ड है अ प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1927 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, सो 1927 में मद्रास में हुआ था, सो मद्रास कहाँ है, सो मद्रास है ये, तो ये रहा मद्रास, ठीक है, सो दिस इज मद्रास, साउथ में आया ऑब्वियसली, नीचे आया मद्रास, ठीक है, सो दिस इज मद्रास। इसके बाद क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1929 में कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी, सेशन कहाँ हुआ था, सो लाहौर में हुआ था, सो लाहौर कहाँ आया, सो ये रहा लाहौर, अब वो पाकिस्तान में है तो इसलिए देखो इंडिया के बाहर है, देखो लाहौर, क्योंकि अब लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर, ये देखो हल्का इंडिया के बाहर है, ठीक है, ये मतलब पंजाब से सटा हुआ लाहौर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द प्लेस वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1922, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कहाँ किया गया, कॉल्ड ऑफ मतलब बंद कर दिया गया, तो कहाँ बंद करा गया, तो आपको पता है चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद बंद हुआ था, जहाँ पुलिस वाले मारे गए थे, सो चौरी चौरा का इंसिडेंट कहाँ हुआ था, सो प्लेस है चौरी चौरा, सो चौरी चौरा कहाँ दिखाएंगे हम, सो चौरी चौरा का इंसिडेंट यहाँ हुआ था, ठीक है। सो ये मैप थे, तो मैं आपको, आप हो सके आपके घर में मैप हो, जस्ट आप सब ये सारे, ये इंपॉर्टेंट हैं, पांच सेशंस हैं और पांच गांधी जी ने कहाँ क्या किया था, ठीक है, ये 10 चीज़ें आप मैप में दिखा देना तो इस चैप्टर का मैप तो हो ही जाएगा, ठीक है, 2 मार्क का इस चैप्टर का मैप आता है, वो हो जाएगा। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अब आप पूरा चैप्टर रीड कर सकते हो, जो 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रीड कर सकते हो, द चैप्टर इज कम्प्लीटेड हियर फाइनली, थैंक यू।